Hey guys, welcome to my channel. And right now I am in the location of Sangai Festival. Sangai Festival Manipur ka sabse bada festival hai, and it's like a tourism festival. ये संगाई फेस्टिवल बेसिकली डिवाइड किया हुआ है थ्री जगह तीन जगहों पे. तो मैं अभी ये लम्बोई खोंग नाम खोंग सिटी से बाहर है ये जगह. तो पहले मैं सोचा कि इसको जाके एक्सप्लोर करूँ, और सिटी का जो जगह है उसको मैं शाम को एक्सप्लोर करूँगा. तो यही है संगाई का टिकट जो 30 रुपीज़ पर हेड करके. एंड अभी हम करने जा रहे हैं एंट्री. जो मेन एंट्री है वो यहाँ से हो रहा है. वो लेडीज जेंट्स अलग अलग. सो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है जो आपको चेक करेगा. एंड मैं अभी फाइनली एंटर कर चुका हूँ. सो चलो तो फिलहाल फीका फीका ही लग रहा है ये एरिया, क्योंकि नाइट लाइफ यहाँ पे बहुत ही बेहतर होगा. और नाइट में यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम भी होता है ऐसा सुना है मैंने. और नाइट के लिए मैं दूसरा लोकेशन चूज़ कर रहा हूँ. तो नाइट का भी मैं दिखाऊंगा आपको इंटरेस्टिंग जो देखने को मिलेगा. मगर अभी के लिए जस्ट एक लोकेशन वाइज हम विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में सभी जगह विज़िट करना इट्स नॉट पॉसिबल. सो अभी जो आप ये देख रहे हैं ये क्या लग रहा है आपको, क्या होगा ये चीज़? अरे ऑस्ट्रिच का एक, और यहाँ पे सेल के लिए रखा हुआ है. एंड इसमें 3 लेयर्स है जो जल्दी फूटने का बहुत ही कम चांस है. और इसका कॉस्ट प्राइस है 600 एक का. और मतलब ऑस्ट्रिच का एक मैंने लाइफ में पहली बार देखा है, वो भी ग्रीन. क्या कलर बोले इसको, मिक्स कलर. एक अंडा आपको 600 में मिलेगा. एंड अगर आप दो लेना चाहेंगे तो आपको डिस्काउंट करके 1000 तक ये दे रहे. और जो ऑस्ट्री से वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और यहाँ बाहर से ज़्यादा अभी यहाँ पे भीड़ है, क्योंकि बाहर बहुत धूप है. यहाँ पे आपको छाँव मिलेगा प्लस ठंडा है. देखो काफ़ी जम रहा है मार्केट धीरे धीरे. और शायद रात को तो यहाँ पे क्या होगा, चलने लायक तो होगा ही नहीं. और यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टॉल आपको देखने को मिलेगा. और मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आइटम ड्रेस का आइटम रखा हुआ है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. एंड जो ये स्टॉल है ये साउथ अफ्रीका का स्टॉल ही मतलब ऐसा बोलो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ का सारे साउथ अफ्रीका से आया हुआ ऐसा बोल रखा है. एंड यहाँ पे है वहाँ का लोग भी है. ये रहा, ये देखिए मेरा पीछे बैंकॉक थाईलैंड का जो प्रोडक्ट है, और वहीं के लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं. मतलब इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड ये भी थाईलैंड का. यहाँ पे भी है बैंकॉक एंड थाईलैंड. इनका जो मतलब ऑर्नामेंट से लेकर या कॉस्मेटिक्स हो या कपड़ा हो, सारी चीज़ें यहाँ पे सेल कर रहा है. संगाई फेस्टिवल मतलब एक टूरिज्म फेस्टिवल है मणिपुर का. एंड ये बेसिकली 2010 से इसका नाम चेंज हुआ है संगाई, ऐसे संगाई, क्योंकि 2010 से पहले इस फेस्टिवल को टूरिज्म फेस्टिवल मतलब का नाम से जाना जाता था, जो मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज़ करता है हर एक साल. वो भी एवरी 21 नवंबर टू 30 नवंबर ये फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होता है मणिपुर में. एंड
इस साल का जो फेस्टिवल है ये डिवाइड करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस फेस्टिवल में टूरिस्ट काफ़ी सारे फ्लो होने लगा है, तो इसलिए इस बार तीन जगह में डिवाइड करके रखा है। एक तो यही है लम्बोई खोंगनांग फॉर्म, एंड दूसरा है मोयरांग, एंड तीसरा है हफ्ता कंगजोई घूम। और हफ्ता कंगजोई घूम यानी कि वो इम्फाल सिटी के अंदर ही आता है, एंड वही है मैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी संगाई फेस्टिवल हुआ था वहीं पे हुआ था, और वही है मैं। और हम जाएंगे वहाँ पे अभी रात को, क्योंकि नाइट लाइफ वहाँ पे बेहतर होगा। और ये फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर। तो चलो अब संगाई फेस्टिवल ऑफ हफ्ता कंगजोई घूम पे चलते हैं। सो मैं अभी संगाई फेस्टिवल इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो यही है यहाँ का माहौल, मैंने बोला था आपको कि नाइट लाइफ यहाँ पे बहुत ही बेहतर होगा। देखो चारों ओर, ये गली जो है ये फूड कोर्ट का गली, इनकेस मतलब आप इनकेस नहीं यार आप संगाई आएंगे तो ज़रूर कुछ खाना चाहेंगे, तो ये जो गली है ये फूड कोर्ट, एंड यहाँ पे आपके शायद नॉन वेज या ज़्यादातर यहाँ पे नॉन वेज ही दिखाई दे रहा है मेरे को, एंड ऑब्वियसली ये नॉन वेज फैक्टर होगा। वेज का भी था तो मैंने देखा था, ये देखो चिकन बिरयानी, क्या खाना चाहेंगे आप, कुछ भी मिलेगा आपको यहाँ पे। जितने भी कुछ आप देख रहे हैं वो सब यहाँ का नॉन वेज आइटम्स मिलेगा। मणिपुर अगर आप आए तो यार पकौड़ा जरूर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का पकौड़ा मतलब मेरे लिए, आपके लिए शायद पता नहीं, मगर मेरे लिए यहाँ का पकौड़ा सबसे बेस्ट पकौड़ा है, एंड वही चीज़ अभी हम कर रहे हैं। यहाँ का जो फूड कोर्ट है तो संगाई का कुछ टेस्ट लेके जाएंगे यहाँ से, शायद आगे चाहिए सबसे बढ़िया टेस्ट यहीं भी मिलेगा। सो देखो यार यहाँ के जो लोकल्स है काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल को, इवन लोकल्स इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो टूरिस्ट को भी डेफिनेटली यहाँ पर विजिट करना चाहिए। ट्रेडिशनल हेरिटेज में हम एंटर कर चुके हैं, एंड ये भी यही ग्राउंड में, और यहाँ पे कुछ मतलब जो एंशंट जो यहाँ का सिस्टम है रहने का वो यहाँ पे उन्होंने बना रखा है, एंड जो प्रॉपर मडी हाउस जैसे जो बम्बू और मिट्टी का बना रहता था उस टाइप का यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो चलो यार जाके एक्सप्लोर करेंगे, एंड यहाँ पे सभी ट्राइबल का जो जितने भी ट्राइबल्स हैं मणिपुर में उन ट्राइबल्स का यहाँ पे घर बना के दिखाया है। ये है कबूई का, सब इनका जो ट्रेडिशनल आउटफिट है वो रखा हुआ है, और म्यूजिक भी दे रखा है कुछ इनका, और शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। देख लो देख लो देख लो, ये मैतई का हाउस है, लाइक करना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना।